तो शहर संग्राम में वोटिंग के बीच में हमारे साथ में आज स्टूडियो में दोनों तरफ से मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस से और इस वक्त जांजगीर से सहयोगी राजकुमार साहू जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, क्या अपडेट है वहां, कितना प्रतिशत मतदान का निकल रहा है इस वक्त? देखिए पुनीत, जांजगीर चांपा जिले में 15 नगरीय निकाय हैं। अभी जांजगीर हाई स्कूल मैदान में वार्ड क्रमांक 18 का ये 32 नंबर का बूथ है जहां पर हम मौजूद हैं और जब लंबी कतार है। अभी तक के जो मतदान का प्रतिशत है ये 25 से 30% का अभी तक का आंकड़ा आया है। कह सकते हैं कि शहरी माहौल के हिसाब से जो लोग हैं वो दोपहर बाद निकल रहे हैं और इसके बाद से सभी केंद्रों में भीड़ जुट रही है जो मतदान करने वाले हैं, और बैलेट पेपर से मतदान होने की वजह से इंतजार भी करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि ईवीएम के मुकाबले बैलेट पेपर में समय अधिक लग रहा है। और अभी जिस तरह से जांजगीर चांपा जिले में जो रफ्तार है मतदान की वो धीमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी दोपहर में जो रफ्तार है वो देखी जा रही है, लोगों की भीड़ लगातार केंद्रों में पहुंच रही है और लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है जिस तरह की प्रक्रिया है। और इस जिले में जो 15 नगरी निकाय है यहाँ पर 292 केंद्र है जहां पर 255 वार्ड के लिए आज ये मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है और 1168 जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात किए गए हैं और विशेष सुरक्षा के लिए कोटवार की भी तैनाती की गई है। जिले के जो आला अधिकारी हैं एसपी से लेकर एडिशनल एसपी एसडीओपी और जो सभी थाना प्रभारी जो है वो लगातार अलग अलग केंद्रों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं और पेट्रोलिंग टीम भी लगी हुई है। इसके अलावा कुछ छुटपुट विवाद की स्थिति भी जिले में देखने को आई है। जिस केंद्र में भी हम खड़े हैं जहां पर लंबी कतार है वहां पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे तक काफी माहौल गरमाया हुआ था और यहां पर जो फर्जी मतदान को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद से धक्का मुक्की से लेकर के काफी बड़ा विवाद का माहौल बन गया था। बाद में पुलिस प्रशासन ने मौके पर आकर के संभाला और इसके बाद से जब माहौल बिगड़ा तो अपर कलेक्टर से लेकर के तहसीलदार को मौके पर आना पड़ा था। कुल मिलाकर के अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और प्रशासन ने भी ये कहा है कि सभी जगह पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लगातार जो है प्रशासन की ओर से इसके बारे में जो मतदाताओं को प्रचार प्रसार किया गया था उसका जो नतीजा है वो भी अब धीरे धीरे दिखने लग रहा है अभी। धन्यवाद, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो राजकुमार हमको बता रहे थे कि वहाँ